नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बुधवार 22 दिसंबर। सबसे पहले अगर वेबिनार की बात करें तो जल्द हम कॉटन कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। इसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो नीचे दिए गए लिंक पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। कल के सेशन में MCX बुलडेक्स एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। फंडामेंटल काफ़ी मिक्स है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो कंसर्न है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज मॉडर्ना ने कहा है कि जो बूस्टर डोज है वो इस वेरिएंट पे कारगर है, 37% ज़्यादा काम कर रही है, जिसके चलते हमने देखा कि रिस्की एसेट लाइक इक्विटी, बेस मेटल, क्रूड ऑयल, इन सब में तेजी आई। उसी का एक नेगेटिव असर हमने MCX बुलडेक्स में भी पड़ते हुए देखा। डॉलर इंडेक्स भी 96.50 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉन्ड यील्ड भी मार्केट में स्टेबल है, जिसकी वजह से एक नेगेटिवनेस मार्केट में बनती हुई दिखाई दी। बट इन ऑल पिछले 2-3 दिनों में हमने एक जो रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी वही मार्केट में मेंटेन है, जो 14,000 से 14,500 का दायरा है। आज के लिए दिन के सेशन में मार्केट में दबाव रह सकता है, जो 14,050 के करीब आने पर लिया जा सकता है, जो 14,200 तक का टारगेट रहेगा। वहीं कल के दिन में हमने सोने में भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी बनते हुए देखी है। ध्यान रखिए 48,200 का लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है गोल्ड की तेजी के लिए, जबकि आज के लिए अगर 47,900-950 तक का लेवल मिलता है उस लेवल पे हमें लेके काम करना चाहिए। डाउनसाइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा तो अपसाइड भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो जब तक 62,000 के ऊपर प्राइजेस नहीं निकलता है रेंज में रहेगा, 61,500 के करीब आने पे लेके चलिए। ओवरऑल इंटरनेशनल में अच्छे सपोर्ट पे है मार्केट, तेजी का रुख कायम रहेगा, बट 62,200 के ऊपर तोड़ने पे हम 64,000 तक का लेवल देख पाएंगे। क्रूड में भी कल हमने ऑर्निकॉम के अपडेट के बाद एक अच्छी खासी तेजी देखी, पर ध्यान रखिए मल्टीपल ऑफ टाइम हमने 75 के ऊपर प्राइसेस को जाते हुए नहीं देख पा रहे, क्योंकि IEA EIA ने क्लियरली कहा है कि डिमांड आगे जाके इम्पैक्ट करेगी। ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन अभी भी लगे हुए हैं यूरोपियन नेशन में, जिसकी वजह से एनर्जी डिमांड प्रभावित होते हुए दिखाई देगी। तो आज के सेशन में अगर तेजी मिलती भी है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। अपसाइड प्राइसेस प्रिवेल नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेचुरल गैस में यूरोपियन मार्केट के अंदर अभी भी कंसर्न है, जिसके चलते प्राइसेस में तेजी है। उसी का असर है हमने डोमेस्टिक प्राइसेस पे भी गेन आते हुए देखा, बट 300-302 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कोरोना का कंसर्न, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सेंटीमेंट है वो इंप्रूव हो रहा है। आउटपुट में तो कटौती अभी भी चाइना से चल रही है, इन्वेंट्रीज के अंदर भी हमने जो ड्रॉप देखा, ये सभी कारणवश हमने सभी बेस मेटल के अंदर जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है। आज थोड़ा भी पुलबैक मिले उस पुलबैक पे हम लेने की कोशिश करेंगे। LME पे आज 0.5% की गिरावट निकल को छोड़ के सभी कमोडिटीज में है, जिसका एक असर डोमेस्टिक मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट बड़ा सेल अवॉइड कीजिए, ईयर एंड के चलते मार्केट सीमित दायरे में है, आउटपुट कट के चलते मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। वहीं गोल्ड 1790 के सपोर्ट पे है, 1780-1800 की रेंज में ट्रेड करेगा। चांदी 22-22.50 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। क्रूड ब्रांड क्रूड में हम थोड़ा हल्का एक पुलबैक देख पाएंगे। डॉलर इंडेक्स 96.50 के करीब है। विक्स इंडेक्स के अंदर हमने थोड़ी बहुत चेंजेस होते हुए देखी है। वहीं अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो डेटा पॉइंट के अंदर आज US से फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं कंज्यूमर कॉन्फिडेंट की बात करें तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा भी अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड की इन्वेंट्री के अंदर हम ड्रॉप जरूर देख रहे हैं, बट पिछले हफ्ते के मुकाबले बिल्टअप रहेगा, जिसकी वजह से क्रूड में आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। MCX बुलडेक 14,000 से लेकर 14,200 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड 47,900 के नीचे नहीं जाएगा, 48,250 का लेवल तोड़ने पे ही तेजी कर पाएगा, जो 550 तक का लेवल रहेगा। क्रूड में अच्छी तेजी के बाद आज एक पुलबैक आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 5320 तक का लेवल दिखा देगा। निकल के अंदर भी रिकवरी शानदार है, जो 1560 तक का लेवल दिखा सकता है, बट 1530 की रेंज में आने पे ही हम बाइंग करके चलेंगे। ओवरऑल आज सेंटीमेंट मिक्स रहने की उम्मीद है, वॉल्यूम्स कम है, हॉलीडे माहौल के चलते तो संभल के ट्रेड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।